सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट स्काई आइलैंड सर्वाइवल। इसमें बेसिकली होता है कि हम एक स्काई आइलैंड पर है और यहाँ पे हमें सर्वाइव करना है। पीछे एक पेड़ दिख रहा है, वहाँ पे वो पेड़ एक ही है और एक चेस्ट है, ठीक है। और अब हमें कैसे सर्वाइव करना है ये अब हमारे ऊपर है। इसमें नीचे गिरे तो मर गएंगे, ठीक है। नीचे गिरे सीधा मर जाएंगे, सीधा मतलब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ना घास काटते हैं, क्योंकि इसमें से मिलेगी सीड और सीड से हम खेती कर सकते हैं। तो बट अभी तो खेती नहीं करेंगे, बट बाद में करेंगे। अभी मैं हटा देता हूँ ताकि सीड मिल जाए। और यहाँ पे मुझे ना कोबलस्टोन जनरेटर वगैरह सब कुछ बनाना है, तो इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ। इस फूल को भी तोड़ देता हूँ। इस चेस्ट में क्या है अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। इस फूल को भी निकाल दूँ। ओके, पूरा एरिया क्लीन हो गया। अभी हम चेस्ट में देखते हैं। चेस्ट में कुछ ज़्यादा मतलब काम का सामान है, और बहुत मतलब काम का ही सामान है सच बताओ तो। और वो टर्टल रह गए, वो मुझे पता नहीं किस काम के हैं। फिलहाल हम अभी पेड़ को तोड़ेंगे एकदम आराम से। चलो आराम से भाई। अभी ये नीचे गिर गया ना तो बहुत मतलब ऐसे। चलो आ गया, कुछ दिक्कत बात भी बात तो नहीं है, बट आ गया। इसे हम पैर पूरा नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अगर पूरा तोड़ देंगे तो सेपलिंग नीचे गिर जाएगी और फिर गेम फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब इसे पूरा अलग नहीं 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 तोड़ देना, इसे भी रहने देते हैं। तो इसे हम बनाएंगे एक क्राफ्टिंग टेबल और एक पिकेक्स वुड की, क्योंकि हमें अभी बनाना है कोबलस्टोन जनरेटर। तो फट से चलते हैं। यहाँ पे बनाऊँ या यहाँ पे, यही सोच रहा हूँ। कोबलस्टोन जनरेटर यहाँ पे मतलब यहाँ पे बनाता हूँ, चेस्ट के पास ही बनाऊँगा मैं। यहाँ पे तो पेड़ होगा तो जल जाएगा शायद, सो मुझे यहाँ चेस्ट के पास ही बनाना पड़ेगा। सो फिलहाल डर्ट पे तोड़ते हैं। ठीक, यहाँ पे वहाँ पे पानी डाल दूंगा ताकि चेस्ट भी जले नहीं। और एक एक और भी डर्ट यहाँ से निकालनी है। एकदम ओके निकल गई। अब डर्ट को कर लेते हैं कर ले, क्योंकि डर्ट इधर मिलती ही नहीं है। डायमंड की तरह है डर्ट इधर बहुत ही। अब सीधा हम वुडन प्लैंक्स बना लेंगे पहले तो, और उससे बनाएंगे हम थोड़ी सी स्टिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे क्राफ्टिंग टेबल, और इसे क्राफ्टिंग टेबल को रख देंगे हम इधर क्रेस्ट के पास ही। और थोड़ी सी स्टिक भी बना लेते हैं, और स्टिक से बनाऊंगा पिकेक्स। पिकेक्स से हम वो जो कोबलस्टोन जनरेटर बनेगा उससे हम कोबलस्टोन माइन करेंगे। लावा को डालेंगे लेफ्ट साइड यहाँ पे, और अभी सामने रख देते हैं आइस। वहाँ सामने ही रख दूंगा, बट आइस यहाँ पे रख देता हूँ पहले तो। ओके हो गया। अब इसको तोड़ू या फिर क्या करूँ, आइडिया नहीं है मेरे पास। इसको तोड़ ही देता हूँ या फिर अपने आप हो जाएगा, तोड़ देता हूँ ना। हो गया, एक कोबलस्टोन बन गया। अब मुझे ना पिकेक्स लेना भूल गया मैं। पहले इस वॉट इसको बकेट को ना रख देता हूँ। ये बकेट कहीं गिर गई ना, मुझे बहुत काम की है बकेट। अब पिकेक्स से तोड़ता हूँ उस कोबलस्टोन को। ओके, अब बन गया कोबलस्टोन जनरेटर। अब ये इन्फिनिटी है, इधर हम जितने भी स्टोन तो कोबल स्टोन तोड़ेंगे ये अब बनते ही जाएंगे। इन्फिनिटी हो गया ये अब एक तरह से। तो इधर से कोबल स्टोन का तो जुगाड़ हो गया। अब थोड़े मैंने कोबल स्टोन माइनिंग की है, उससे मैंने कोबल स्टोन स्लैब बना दिया है, और पेड़ के आसपास रख देता हूँ ताकि ना ये सेपलिंग गिरे तो नीचे ना गिरे, मतलब नीचे ना चली जाए, सीधा इसके ऊपर ही गिरे और मैं कलेक्ट कर सकूँ आराम से। तो फास्ट ये करता हूँ, इधर आराम आराम से चलना पड़ेगा। नीचे सीधा मर गया तो सीधा सब कुछ आइटम भी गया। अब ना इस वुड को भी मुझे तोड़ना होगा ताकि ये पूरा टूट जाए पेड़, मतलब पूरा वुड टूट जाए और ना सैपलिंग ना अपने आप ही नीचे गिर जाए। गाइस पेड़ के नीचे ही खड़ा हूँ, अभी जाके एक सैपलिंग मिली है, इसको ना इधर ही लगा देता हूँ ताकि ना नया नेक्स्ट मतलब पेड़ इधर से उगे और हमें और मतलब वुड मिले। तो अभी चलते हैं माइनिंग करने के लिए। इस तरह की माइनिंग करते करते एकदम बोर हो जाते हैं हम। एक ही जगह पे खड़ा रहना और कोबलस्टोन को ही तोड़ता रहना, ये बड़ा बोरिंग काम है। ओके, तो मैं 39 कोबलस्टोन मैंने माइनिंग किए है, और थोड़ी सी अब मैं स्टिक लूँगा और उससे नेक्स्ट स्टोन के टूल्स बनाऊंगा। एक स्टोन की पिकेक्स बनाऊंगा, एक्स एक्स भी बनाऊंगा ताकि एक्स पेड़ काटने में काम आ जाए। ओके, तो इतना काफ़ी है। और थोड़े से कोबल स्टोन स्लैब बनाता हूँ, इससे ना एरिया हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब तो बहुत बड़ा एरिया बनाएंगे कोबल स्टोन स्लैब से ही बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आराम से।
तो स्लैब ना ख़त्म हो चुके हैं और पूरी रात अब मुझे ना माइनिंग ही करनी होगी, और थोड़ा एरिया बड़ा करना होगा, और मुझे एक हाउस भी बनाना है। हाउस छोटा सा होगा बट बेस्ट होगा। एक मैंने फर्नेस बना लिया है, मैं उससे ना चारकोल बनाऊंगा और इधर थोड़ी स्टिक डालूंगा और थोड़ी एक ना टॉर्च बनाऊंगा। चलो चारकोल भी मिल गया है। अब ना सीधा मैं एक मतलब चार टॉर्च ही बनाऊंगा, एक पेड़ के पास रख देता हूँ। पूरा दिन निकल गया, अभी भी पेड़ बड़ा नहीं हुआ, पेड़ के पास ही रख देता हूँ। पेड़ को ना रोशनी मिलेगी तो ना स्पीड से ग्रो होगा। और दूसरी मुझे कहीं रखनी नहीं है, यहाँ सामने ही मैं ना अपना हाउस बनाऊंगा और ना माइनिंग करता हूँ फिलहाल। मुझे लगता है जस्ट मैं थोड़ी वो जो ना टॉर्च दूसरी रख दूँ ना और माइनिंग चलो स्टार्ट करता हूँ। अभी ना दूसरे दिन की रात हो गई है, मैंने तो पूरे दिन ना माइनिंग ही की है, और मैंने ना 64 और 6 इतने कोबल स्टोन ना माइनिंग किए। उससे ना मैं स्लैब बनाने वाला हूँ और एरिया को थोड़ा एक्सपेंड करने वाला हूँ, और ना मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। फिर इस वीडियो का एंड होगा। तो मैंने बहुत सारे कोबल स्टोन स्लैब बना लिए हैं, और ना उसको मतलब अब एरिया एक्सपेंड करता हूँ उससे मैं ना। अब थोड़ा ना मैं एरिया एक्सपेंड कर रहा था तभी मेरे सामने ना पेड़ बड़ा हो गया, और ये बहुत बड़ा था। इससे हमें ना बहुत ज़्यादा वुड मिलेगी, तो मैं ना खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि अब इसी वुड से मैं ना अपना प्यारा सा छोटा सा हाउस बनाऊंगा। तो काटते हैं इस पेड़ को बढ़िया, आराम से एक्स निकालेंगे अपने। इस पेड़ से बहुत सारा वुड मिलेगा और बहुत सारी सेपलिंग भी मिलेगी। पेड़ को मैंने काट दिया, अपने आप ही ना सेपलिंग गिरे जा रही थी। ओ भाई बड़े आराम से लेनी पड़ती है ऐसी सेपलिंग, बहुत सारी मुझे लगता है मुझे ना सेपलिंग मिलेगी। और मुझे ना एक एप्पल भी मिल गया था, खाने का भी जुगाड़ अब होने लगा था ज़िंदगी में धीरे धीरे। आगे मुझे ना और भी सेपलिंग और स्टिक मिली, जो कि बहुत बढ़िया बात थी हमारे लिए। फिर ना मैंने ना बहुत सारे वुडन प्लैंक्स बनाए, जो कि हमारे घर बनने में मतलब बहुत काम आते। सो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना होम बनाना, मतलब प्यारा सा हाउस, छोटा सा हाउस बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक ही तो उसको रखेंगे इधर इधर। तो गाइज ये पीछे देख रहा है, यही हमने हमारा मतलब ये घर बनाया है, अब से यही हमारा घर है, यहाँ पे हम रहेंगे। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।